हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में मेरे लिविंग रूम का टूर करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस दिवाली मैंने अपना घर कैसे सजाया था। सो, ये आपने बाहर का देखा, मैंने लैंटर्न लगाया था, छोटी सी रंगोली थी और माला वगैरह, तोरण जो भी हम लगाते हैं। इसके बाद घर के अंदर घुसते ही मैंने एक उरली रखी हुई थी इस तरीके से, जिसमें मैंने मारीगोल्ड फ्लावर्स और दूसरे फ्लावर्स भी रखे थे, थोड़े दिए थे उसमें, मतलब टी लाइट्स हो गई और स्टिक वाली रंगोली हो गई। देन छोटी सी जो टेबल साइड में रखी है उसमें मैंने थोड़ी बहुत सी ऐसे कैंडल्स वगैरह रख दी थी, और उसके जस्ट ऊपर मैंने ये पपेट्स और झरोखे से इस वॉल को डेकोरेट किया है। इस बार मैंने ऐसा सोचा था कि अपने घर को मैं बहुत ही कलरफुल, थोड़ा सा राजस्थानी टच लाऊंगी मैं अपने होम डेकोर पे, और एकदम कलरफुल सा मैंने इस बार सजाया था। और कोशिश की थी कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना करूँ मैं, मतलब लिमिट में रह करके मैंने ये जो डेकोरेशन है ये किया था। बहुत सारी पुरानी चीज़ें यूज़ की थी, सिर्फ एक दो चीज़ें ही मैंने एक्स्ट्रा ली थी इस साल दिवाली डेकोरेशन के नाम पे, अदरवाइज मैंने सारी पुरानी चीज़ें ही यूज़ की थी, लास्ट ईयर वाली चीज़ें ही यूज़ की थी। सो, जो झरोखा था उसके जस्ट बगल में मैंने ये इस तरीके से ये दो हैंगिंग्स टंगाए हैं, मेटालिक हैंगिंग्स से घर का बहुत प्यारा लुक आता है। इवन मेटालिक चीज़ों से अगर हम घर सजाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। देन जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ी बहुत वॉल में ये वॉल क्लॉक्स हो गई, टेबल पे थोड़ा बहुत सा ऐसे कॉर्नर टेबल्स पे जो डेकोरेशन है वो किया था, पिलोज के कवर्स के साथ में मैंने थोड़ा अच्छे से प्ले किया था। मैंने डिफरेंट ये जो पिलो कवर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जो थोड़ा फेस्टिव वाइब्स लाते हैं, वो सब ज़्यादा यूज़ किए थे मैंने। एंड देन कॉर्नर पे मैंने ये एक फेक बैम्बू ट्री रख दिया था, और उसके साथ में ये हमारी फैमिली फ़ोटोज़ वाला लैम्प रखा था, जो कि मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने गिफ्ट किया हुआ था। सो, ये सारी चीज़ें रख के मैंने थोड़ा सा इसको फेस्टिव वाइब्स लाया था। एंड उसके जस्ट बगल में ही ये मेरा कर्टन वाला एरिया आता है, तो कर्टन के जो दोनों साइड्स हैं वहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हैंग की हुई थी, लाइक प्लांटर हो गया और लैंटर्न्स हो गए और बॉटल्स जो होती हैं उसमें ये जो लाइट होती है फेरी लाइट होती है ये डाल करके किया था। और ये जो कर्टन आपको दिख रहा है ये मैंने साड़ी से खुद बनाया हुआ है, जो चुनरी प्रिंट वाली साड़ी आती है वो खरीद के उसे कट करके उसमें थोड़े टैसल्स और कांच चिपका करके मैंने ये जो कर्टन है ये बनाया था अपने होम में, ये जो मतलब कलरफुल वाइब्स है वो ऐड करने के लिए मैंने ये कर्टन बनाया था। देन बारी आती है सेंटर टेबल की, तो सेंटर टेबल पे भी मैंने, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कलरफुल रखने की कोशिश की थी, थोड़ी मेटालिक चीज़ें ही ऐड की थी, ऐसी चीज़ें ऐड की थी जिससे वो राजस्थानी वाला एक टच आए। ये जो आपको डॉल दिख रही है ये भी मैं राजस्थान से ही लाई थी, तो मैंने ऑलमोस्ट ऐसी ही कोशिश की थी कि बहुत ही कलरफुल सा लगे मेरा घर और मतलब मज़ा आ जाए फेस्टिवल में। सो, ये है मेरा कर्टन वगैरह। अब कर्टन के जस्ट बगल में मेरी एक बड़े से कॉपर के गणपति जी मैंने लगाए हुए हैं, और ये सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पर ही माला लगाई थी। एक्चुअली ये वीडियो मैं दिवाली के दो दिन बाद में मैंने शूट किया था, इसलिए माला थोड़ी सी सूख गई है, दिवाली के दिन बहुत फ्रेश थी। और उसके जस्ट नीचे ही मेरा डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था, ये कैंडल होल्डर वगैरह ये सब मैंने अमेजोन से लिया है, और वो पिलो कवर्स वगैरह भी मैंने अमेजोन से लिया। तो जो चीज़ें अमेजोन की है सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं। So, ये जो डाइनिंग टेबल वाला एरिया है ना, ये मेरा फेवरेट था, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। डाइनिंग टेबल के जस्ट बगल में मैंने एक लैंप रखा हुआ था, और उसके बाद में टीवी एरिया, टीवी कैबिनेट और ये सारी चीज़ें। टीवी कैबिनेट को मैंने कुछ भी न्यू लुक नहीं दिया, जैसा पहले से रखा हुआ था, जैसे कि आप ऊपर चीज़ें देख रहे हैं, मेरा सिल्वर बटन और ये सारी चीज़ें वही सब मैंने रखा था, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया। ऊपर ये मेरी लाइट्स मैंने लगा रखी हैं, ये जो आपको तीन लाइट्स साइड में दिख रही हैं ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया हुआ था। इसके भी लिंक आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लैंटर्न लाइट्स जो होती हैं ये। और फिर उसके बाद में ये जो आपको डोर दिख रहा है ये मेरे किचन में जाने का डोर है, तो यहाँ पर भी मैंने ये हैंगिंग्स लटकाई हुई थी। जो दो बड़ी बड़ी हैंगिंग्स हैं ग्लास वाली, वो मैंने होम सेंटर से लिया था, और बाकी ये राजस्थानी वाली मैं राजस्थान से ही लेकर के आई थी। सो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा फेस्टिव वाइब्स ऐड कर रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद में मैंने ये थोड़े बहुत प्लांट्स और स्टिक करने वाली रंगोली और ये मिरर वाला ये जो वॉल स्टिकर होता है ये मैंने लगाया, ये भी अमेजोन से ही लिया। तो जो भी चीज़ें अमेजोन की है मैं सबकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सो, मैंने बहुत ही अफोर्डेबल और छोटे छोटे तरीके से अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करने की कोशिश की थी। सो, ये है ओवरऑल मेरा लिविंग रूम जो कि मैंने इस दिवाली सजाया था।
मे भी हो सकता है आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगे ये। और मुझे एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे शेयर करने के लिए दिवाली डेकोर, दैट्स व्हाई मैं शेयर कर रही हूँ। So that's it, यहाँ फिनिश होता है मेरा दिवाली होम डेकोर या फिर दिवाली लिविंग रूम डेकोर वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऑलमोस्ट जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन खरीदी है सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।